श्रीखंड बनाने के लिए हमें चाहिए 250 ग्राम दही का चक्का, शक्कर पिसी हुई 8 टीस्पून, 2-3 चुटकी पिसा हुआ जायफल, 8-10 काजू कटे हुए, ग्रीन फूड कलर डेकोरेशन के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शाहीन और आज आपको श्रीखंड बनाना सिखाऊंगी। श्रीखंड मीठे दही से बनता है जिसका कि पूरा पानी निकाल दिया जाता है। मसलिन क्लॉथ में, मलमल के कपड़े में इसको डाल के रखते हैं और टांग देते हैं तो इसका पूरा पानी निकल जाता है। आप देख सकते हैं इसमें एक बूंद भी पानी नहीं बचा है। इसको चक्का कहते हैं और खाने में श्रीखंड बहुत मज़ेदार लगता है। इसके हम कई फ्लेवर्स बना सकते हैं, इलायची से, जायफल से या और कोई भी फ्लेवर जो आपको पसंद हो वो इसमें हम डाल सकते हैं। तो ये 250 ग्राम हमारा चक्का है, इसको हम ब्लेंड करेंगे। ये खटमिठा लगता है, बहुत मज़ेदार लगता है, इसको ठंडा करके खाया जाता है। ये 250 ग्राम है, इसमें हम शुगर, ये हमने पाउडर की हुई है, चार चम्मच हम डाल रहे हैं। टेस्ट करेंगे, अगर हमें और रिक्वायरमेंट लगेगी तो हम इसमें डालते जाएंगे। इसको आप स्मूथ बनाने के लिए चम्मच से भी मिला सकते हैं या अगर आपके पास स्टील का ब्लेंडर है उससे कर सकते हैं, नहीं तो इलेक्ट्रिक ब्लेंडर से भी कर सकते हैं। शुगर आप कितनी यूज़ करते हैं आप अपने अंदाज से इसमें मिला लीजिए, टेस्ट कर लीजिए, कम ज़्यादा इसको अपन अपने हिसाब से कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ज़्यादा नहीं फेंटना है ब्लेंडर से, नहीं तो ये बटर जैसा बन जाएगा। थोड़ा हल्के से, ये जायफल का हमने पाउडर किया हुआ है, किसनी से भी ये बहुत आराम से हो जाता है। और जायफल इस तरह का दिखता है जिसे नटमेग बोलते हैं इंग्लिश में। बहुत अच्छा इसका फ्लेवर रहता है, अरोमा बहुत अच्छा आता है और इसकी अपनी काफ़ी सारी मेडिसिनल वैल्यूज़ भी हैं। तो इसको हम चुटकी से डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, नहीं तो ये कड़वा हो जाएगा। अभी हम इसमें 2-3 चुटकी डाल के एक बार और ब्लेंड करेंगे और फिर टेस्ट कर लेंगे, अगर हमें रिक्वायरमेंट लगेगी तो हम डालेंगे और नहीं तो नहीं। एक सा ब्लेंड करने के लिए हमने इसमें फिर चम्मच से सब अच्छी तरह से मिला लिया है और ये देख सकते हैं आप कितना थिक और स्मूथ है। इसको हम एक बड़े बोल में भी सर्व कर सकते हैं या इंडिविजुअली भी हम इसको सर्व कर सकते हैं और कुछ डेकोरेट भी कर सकते हैं अगर पार्टी वगैरह के लिए बना रहे हैं तो। देखिए मैं बताऊंगी कि किस तरह से इसको डेकोरेट कर सकते हैं। ये टोटली ऑप्शनल है, आप करना चाहें तो करिए और नहीं तो ऐसे सिंपली ही इसमें हम काजू, बादाम या पिस्ता, जो भी पसंद करते हों वो फ्रूट, आप ड्राई फ्रूट आप इसके ऊपर डाल के सर्व कर सकते हैं। मैं इसमें थोड़ा सा पैटर्न बना दूंगी। इसको तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत आसान सी स्वीट डिश और बहुत मज़े की। इसको चिल करिए, फ्रिज में रखिए और आप एक दिन दो दिन पहले भी बना के रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा। और इन्जॉय करिए, हेल्दी है। अपने बच्चों को अगर ये टेस्ट नहीं मालूम है तो उनको इंट्रोड्यूस करिए और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल।